उधर सुपौल में भी बंद समर्थकों ने आज ट्रेन रोक दी, एनएच को जाम कर दिया गया। आज संगठनों ने विरोध जताया, जगह जगह पर विरोध में प्रदर्शन किए गए। नौजवानों एवं अन्य तबकों के संगठनों ने कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का जगह जगह विरोध किया, रोष में प्रदर्शन किए गए। संगठनों ने देश भर में जारी संघर्ष के साथ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लाखों संघर्षशील किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की। संगठनों ने कहा है कि कृषि कानूनों में किसी भी प्रकार के संशोधन का काम नहीं चलेगा, सरकार यह घोर जन विरोधी कानून पूरी तरीके से रद्द करे। संगठनों का कहना था कि कृषि कानून सभी मेहनतकश लोगों के खिलाफ है। मोदी हुकूमत के नए कृषि कानून अनाज की जमाखोरी, कालाबाजारी, महंगाई को बढ़ावा देने वाली है। सुपौल जिला में आप देख सकते हैं लगातार जो किसान का जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लगातार जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोहिया यूथ ब्रिगेड बिहार जो है जो किसान को कम से कम मत समझा, काला कानून वापस लो, किसान की समस्या के समाधान को लेकर आहत भारत बंद के समर्थन में न्याय मार्च जो निकाली गई है। सुपौल जिला के लोहिया नगर चौक पे जो आप देख सकते हैं लगातार जो है, पर हम इनके नेता से भी बातचीत करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाजार खुला है, इसके विरोध में क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम लोग जो है जागरूक हुए हैं, जिस तरह हम लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है दुकानदार की तरफ से, हमको विश्वास है कि अब सपोर्ट मिलेगा और जाएगा दुकानदार, क्योंकि पूरे देश में जहां भारत बंद का समर्थन किया जा रहा है किसान के पक्ष में, पर यहां भी सुपौल जिला में जो देखने को बिल्कुल नहीं। अभी तक अभी दुकानदार जो सभी पेट्रोल पंप जो है वो खुला हुआ है, आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप। सुपौल जिला में भी दिख रहा है, जिला मुख्यालय में किसान नहीं है, किसान गाँव में है, जिन्होंने सड़क पे आकर के अपना प्रदर्शन कर रहा, अपना आक्रोश मार्च कर रहा है। पर भारत बंद का मतलब तो ये नहीं, भारत बंद का संपूर्ण भारत बंद है। जो लोग विरोध में है वो निश्चित तौर पर किसान विरोधी काम कर रहे हैं, किसान के समर्थन में आज उन्हें बंद करना चाहिए। अन्न नहीं उत्पादन होगा तो भोजन क्या करेंगे, सभी को भोजन चाहिए, इसलिए किसान को जिंदा रहना चाहिए। किसान बचेगा तभी अब भारत देश बचेगा। जिन लोगों को भ्रम पैदा है, जो किसान को नजरअंदाज करके हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना के रखेंगे, वो अपना भ्रम दूर कर ले। किसान के आंदोलन का यह तो अग्रणी है, आने वाले समय में बड़ी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग सीधे तौर पर कहते हैं, जो किसान के हित को अंदाज कर नजरअंदाज करते हुए जो काला कानून बनाया है, सरकार उसे निरस्त करे और किसान के हित में कानून बनाने का काम करे। एक कुरकुरे बनाने वाले को दाम तय करने का अधिकार है, अन्य सामान पैदा करने वाले को दाम निर्धारण करने का अधिकार है, तो किसान से यह अधिकार छीनने नहीं देंगे। जब तक हम लोगों को सांस रहेगी तब तक किसान के हित में आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो जब तक सांस रहेगी तब तक किसान के हित में जो है आवाज बुलंद कर देंगे। आप देख सकते हैं लगातार जो है प्रोटेस्ट किया जाए, पिछले बीते दिनों से जो चल रहा है लगातार प्रोटेस्ट, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और काले कानून वापस लो के जो नारे लगाए जा रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि किसान पीछे भी उन्होंने पूरा पूरी जो है अपना बैनर लेके पूरा रोड मार्च निकालते हुए आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पे विभिन्न पार्टियों के द्वारा भी और किसान नेताओं के द्वारा भी जो अलग अलग जत्थेबंदी जो है यहाँ पे किसान के पक्ष में लगे भारत बंद के दौरान। सर एक चीज़ बताइए कि आपने आम आदमी पार्टी का बैनर पहना हुआ है, किस पार्टी से आप मतलब पार्टी से बिलोंग करते हैं या किसान से? नहीं नहीं, हम पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम किसानों के समर्थन में, किसानों की जो ये जो बिल लगाया गया है काला कानून ये जो लगाया गया है इसके विरोध में हम लोग उनको साथ दे रहे, प्रदर्शन दे रहे कि उसको न्याय मिले, ताकि उनको न्याय मिले। पर आप लोगों ने किसी ने ऐसा मास्क नहीं पहना, ये भी बताइए थोड़ा सा, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। बिहार में कोरोना नहीं है, बिहार में कोरोना नहीं है, नहीं है कोरोना, ये जो है थोपा गया है और इसमें कोरोना में जो है बिहार सरकार और भारत सरकार लूट मचा रखी है। किस प्रकार की लूट मचा रखी है, खुल के बताएं। ये जो है कोरोना में बिहार सरकार और भारत सरकार लूट मचा रखी है और किसानों का जो हक है उसको जो है वो लोग लूट रहे हैं। जो किसान है, मजदूर है, उसको 15,000 महीना मिलना चाहिए, सरकारी कर्मचारी को 1.5 लाख रुपया मिलता है और किसान को 500 रुपये, 15,000 रुपये महीना किसान लोगों को मिलना चाहिए। ये हम लोग का आम आदमी पार्टी का जिला कमेटी सुपौल का आम आदमी पार्टी का मांग है। आप देख रहे हैं ना कि कोरोना सेंटर जो बना वहाँ एक खर पतवार का झाड़ू था, एक कोरोना सेंटर में कितना कितना का मतलब पैसा का लूट घसोट हुआ था,
मैंने कई पोस्ट भी किए फेसबुक पर, कई पोस्ट भी किए, एक कोरोना सेंटर में आप खर पतवार को लाकर उससे झाड़ू दिलवाते हैं, न वहाँ लैट्रिन की व्यवस्था न एक रूम में 25-25। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कोरोना में अगर बिहार सरकार और भारत सरकार लूट मचा रही है, वो किस प्रकार का लूट मचा रही है, विस्तार से बताएं। इस प्रकार से मचा रहा कि एक कोरोना सेंटर में 2700 कुछ रुपये का एक व्यक्ति पर खर्च किया गया था। 5,500 रुपया एक कोरोना पर बिहार सरकार बजट बना करके लूट बना रखा है, और किसान जो है त्राहिमाम हो रहा है, उसका फसल जो है दह गया है, पिछले वाला धान का फसल, यह गया फसल जो है अपने चेवर जात लगा करके बेचारा जो है गेहूं लगा रहा है, अन्नदाता होने के नाम उस पर खून नहीं जमा है, कपड़ा नहीं, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, इस तरह की जो है देश में लहर है किसान का, किसान की बात को वर्तमान सरकार को सुनना चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे आंदोलन करेंगे, ये क्रांति से भी भारी आंदोलन करेंगे हम लोग, क्रांति से भी भारी आंदोलन करेंगे यहाँ के लोगों का यह कहना है। पहली बात तो ये है कि आज जो पूरे भारत बंद है, आहुत है, ये आज का विषय कोरोना नहीं है, हम लोगों की विषय है किसानों की समस्या। भारत कृषि प्रधान देश है, 85% किसान है यहाँ पर, लेकिन कोई ऐसा कानून जो किसानों को फायदा पहुँचाए नहीं है। जो भी कानून आता है वह बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाते हैं, कहते हैं कंपनियां आएगी आपका अनाज खरीदेगी, लेकिन सरकार को यह याद होनी चाहिए जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था कंपनी का किसान के लिए, तो उस बिल के तहत, उस एक्ट के तहत हमारा देश गुलाम हो गया था, कंपनी के अधीन हो गया था, जिसके कारण हम लोग को संघर्ष करना पड़ा एक बार गोरों को भगाने के लिए, और ये चोरों की सरकार आज आकर हम लोगों को परेशान करता है। हम लोगों की विषय कोरोना नहीं है, यदि कोरोना विषय होता तो आज चुनाव नहीं होता क्या? तो आपने तो आम आदमी पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के झंडा उठाया। बिल्कुल, मैं जितने महागठबंधन के विपक्ष जितने भी हैं सब हम लोग आज किसान के सपोर्ट में, किसान के सपोर्ट में एक साथ मिल करके आज धान का खरीद किसान के लिए, कहाँ आई सरकार, कहाँ ले रहा कोई पैक्स, कोई गोदाम कहाँ खरीद रहा, लोग 800 रुपए 900 रुपए धान बेच दिया, तुम गेहूं बुनना है किसान को, कौन देखने वाला है सरकार, मोदी मतलब क्या कहता है, नाटक कर रहा है किसान के साथ, और इस तरह का पहले लड़ा था अंग्रेजों से, अब इस बार लड़ेंगे चोरों से, हम लोग का पुरखा लड़ा था अंग्रेज से, हम लोग लड़ेंगे इस चोर मोदी से। मैं तो बस यही कहता हूँ, सब कुछ बिकने के बावजूद भी हमारे देश की GDP क्यों गिर रही है? भारत सोने की चिड़िया थी, इसलिए नहीं कि यहाँ पर सोने की खान थी, 32% GDP था भारत का, लेकिन अभी क्या है, माइनस में चले गया GDP। ट्रेन रोका था, इसको आपने अनुमति दे दी जाने की? हाँ, चूंकि ट्रेन में भी हम ही लोग सफर करते हैं, उसमें विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, सबकी परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने उनको जाने की अनुमति दिया है ना, सबके हित की बात है। जो बीमार पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हैं, जो खेतिहर हैं, मजदूर हैं, ये जो है समूह में ट्रेन से उतर करके हम लोगों से लगातार आग्रह किए जा रहे हैं कि हमारे बच्चा बीमार है, और बीमार होने के क्रम में हम लोग साधन विहीन हैं, तो ऐसे बीमार लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, और इस ट्रेन से जाने वाले वही लोग हैं जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और वही हमसे ये कह रहे हैं कि हम बहुत लाचार, हमारी बीमार है, और हम घर की ओर जाना चाहते हैं, हमारे घर जाने का कोई दूसरा साधन ही नहीं है, हम इसलिए ये जो है सो मोहलत दिए। जैसे कि किसान आंदोलन जो लगातार जो पिछले कई दिनों से जारी है, अगर आज सरकार उनके किसी भी कानून पर विचार नहीं करती है, सरकार अगर पहले की जो कोई कानून पर विचार नहीं करती है, तो आगे क्या करेंगे आप? हम लोग का ये अनवरत आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का, जब तक इस कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग का ये लड़ाई जारी रहेगा। जब तक कृषि कानून को जो वापस नहीं लिया जाएगा, लोगों का कहना है कि तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लगातार आप देख सकते हैं रेलवे फाटक को रोका गया था, यहाँ के पुलिस आला ऑफिसर से भी हम बातचीत करेंगे कि किस वजह से जो लोगों को हटाया गया था यहाँ पे। मैं राष्ट्रीय मात एकता मंच से भूपेंद्र राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राय, हमारा कहना है कि किसान का धान उपजने से पहले मंडी व्यवस्था किया जाए, किसानों का समय से पहले सारा काम किया जाए, नहीं जब तक न होगा तब तक हम लोग है सरकार विरोधी काम बोलते रहेंगे और उठा देंगे। राष्ट्र समाज विकास मंच, ये किसान का आंदोलन है और लगातार 10 दिन से अधिक समय से किसान आंदोलन चल रहा है जी। इस आंदोलन के समर्थन में हिंदुस्तान के तमाम विपक्षी दल ने समर्थन दिया है जी।
और हम इसी समर्थन के क्रम में हम लोगों की पार्टी आज इसमें शामिल हुई। कानून व्यवस्था निहत्थे लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम नहीं करेगा। हम यहाँ आंदोलन में आए हैं और किसी तरह की अप्रिय घटना अगर हो जाती है तो ये प्रशासनिक जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन ये हम लोगों की तरफ से कोई भी किसी तरह का अप्रिय घटना होने की कोई संभावना न है, न आज तक का इतिहास रहा है जो सुपौल में किसी तरह की अप्रिय घटना। सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए बंद की कॉल जो की गई है इस समय जो किसान हित में, अगर किसान को अगर कोई जो किस जिस वजह से उन्होंने बंद की कॉल की है, अगर वो कानून उनको अगर वापस ना ले या उनकी बातें ना माने, तो उसके बाद जो है आपकी पार्टी क्या करेगी? किसान आंदोलन के हमने पहले कहा कि समर्थन में हम हैं जी, और जब तक किसानों की मांग की पूर्ति नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा, और आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। हमारी पार्टी या जो घटक दल हैं महागठबंधन के जितने भी दल हैं, तमाम पार्टियां और पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी रहेगी। धन्यवाद। बहरहाल जो कहा जा रहा है कि अगर आज वो कानून जो वापस या किसी तरह की कोई किसान हित में बात नहीं हुई तो जो है प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा, आंदोलन जो है किसान हित में जारी रहेगी, महागठबंधन का यह कहना है।